हेलो फ्रेंड्स, पीजीडीबीए का जो एग्जाम है वो है आपका 16 फरवरी को। इसका एग्जाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एग्जाम से, क्योंकि यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स आता है। लिमिट हो गया, कॉन्टिन्यूटी, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर इस एग्जाम की तैयारी करें कैसे एंड किस तरह से इस एग्जाम को विद इन हम 30-35 डेज में क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो कंपटीशन देखो तुम्हारे सामने कितने हैं। अगर मैं 2019 की बात करूं तो भाई जनरल कैटेगरी में कुछ 3300 लोग अपियर हुए, जिसमें से 568 शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा नहीं है, और हर 6 बच्चे में से एक बच्चा शॉर्टलिस्ट हो रहा है, ठीक है। और हर साल ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कोर्स है एंड ओवरऑल इस कोर्स की जो डिमांड है वो लॉन्ग रन में काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। जब हमें ये पता चल गया कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर कट ऑफ कितनी है। तो जो इनका रिटर्न एग्जाम होता है वो होता है टोटल 150 मार्क्स का। लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ थी दैट वाज 105 मार्क्स, जो ओबीसी की कट ऑफ थी दैट वाज 94, एंड जो अदर कैटेगरीज है उनकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 70। तो इतना आप अगर आप स्कोर कर लेते तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुला लिया जाता। अब अगर आपसे बोलूं कि आपको मोटिवेशन देखने, तो इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स देखो, लास्ट ईयर की जो फाइनल प्लेसमेंट्स हुई है 2017-19 बैच की, इनके 52 बच्चों का बैच था, 52 के 52 बच्चे प्लेस हो गए, एंड जो मैक्सिमम सैलरी थी दैट वाज 40.97 लाख, एंड जो एवरेज सैलरी इस बैच की थी दैट वाज 25 लाख। भाई दिस इज मोर देन मोस्ट ऑफ द आईएम्स इवन। भाई ज्यादातर आईएमबी 25 लाख की प्लेसमेंट क्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी अच्छी प्लेसमेंट अगर है, इतना अच्छा कोर्स ये है, तो हमें इस कोर्स के लिए 100% एफर्ट डालना है, जी जान लगा देना है, अगर आप एलिजिबल हो तो। भाई एक गोल्डन कोर्स है, इसलिए गोल्डन कोर्स है बिकॉज इस कोर्स में आपको आईआईटी खड़गपुर की नॉलेज, आईएसआई कोलकाता की नॉलेज, उसके बाद आईएम कलकत्ता की नॉलेज, तीनों की स्पेशलाइज्ड आपको जो नॉलेज मिलती है। तो जो आप 2 साल बाद यहां से कोर्स करके निकलोगे तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देख लेना आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो जो भी बच्चों ने 4 ईयर का कोर्स किया हुआ है, 4 ईयर्स का अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है बीबीए वगैरह तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके बाद 2 साल का आपने मास्टर्स किया हुआ है, बात समझ रहे हो, जैसे आपने एमकॉम कर लिया, एमएससी कर लिया या कुछ और कोर्स करा हुआ है 2 साल का, तो भी आप एलिजिबल हो। उसके अलावा जो लोग 5 साल का कोर्स करते हैं, जो इंटीग्रेटेड होता है बीटेक एमटेक या 5 साल का कोई कोर्स जिन्होंने किया हुआ है ग्रेजुएशन में, वो भी एलिजिबल है। तो जस्ट अगर आप 3 साल के ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, उसके अलावा आपने कुछ नहीं कर रखा, तो आप एलिजिबल नहीं हो। बट अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे बीटेक हो गया, या फिर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का मास्टर्स किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो डेफिनेटली अप्लाई करना है इस कोर्स के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा कोर्स है। एंड 30-35 डेज जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं उसमें आप हायर मैथमेटिक्स से लेकर हर एक टॉपिक पढ़ लोगे एंड इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो भाई इसका एग्जाम जो है वो 16 फरवरी को है। लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की है वो आपकी 6 जनवरी है। तो फॉर्म इसका भर के छोड़ दो ताकि भाई आपका माइंड सॉर्टेड रहे, एक और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाए एंड इस कॉलेज में आप एंटर कर पाओ। ये जो कोर्स है भाई, दैट कोर्स इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, एंड ये जॉइंटली ऑफर हो रहा है आईएम कलकत्ता, आईएसआई और आईआईटी खड़गपुर से। एंड यहाँ पे जो आपको नॉलेज दी जाती है उसका फोकस है बिजनेस एनालिटिक्स पे। भाई मैथमेटिक्स रिलेटेड जिनको बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, एक ऐसा माइंडसेट जो एनालिटिकल माइंडसेट हो, उस माइंडसेट के साथ ये कोर्स बनाया गया है। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट मैथ की साइड है या जो लोग भाई एनालिटिकली अपने आप को सोचते हैं बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है कि ये कोर्स निकल जाता है। अब इसका एंट्रेंस प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम होता है आपका 3 घंटे का, क्वेश्चन है सिर्फ 50। तो ये एग्जाम आपकी स्पीड नहीं मांग रहा, ये कह रहा भाई मुझे स्पीड नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि क्या तुम एनालिटिकल हो, क्या तुम 3 घंटे में 50 क्वेश्चन कर सकते हो। और ये वो चेक कैसे करता है, अपने 4 सब्जेक्ट से, वर्बल, लॉजिकल, डीआई एंड क्वांट। जो वर्बल है उसके 15 क्वेश्चन है, मतलब 45 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्क की -1 की है। एलआर के सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15 मार्क्स का। डीआई के सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15 मार्क्स का। जो मेक और ब्रेक है इस पेपर का, मतलब 50 में से आधे क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स के। 150 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 75 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स है। और इस क्वांट्स का सिलेबस क्या है, सेट थ्योरी, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री,
कैलकुलस, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब पूरा का पूरा क्लास 12 का मैथ्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कोर्स है ये मैथ्स की तरफ इंक्लाइंड है। इस कोर्स में जब आप 2 साल बाद एक अपनी पढ़ाई पूरी करोगे तो आप मैथ्स में इतने अच्छे हो जाओगे, आप मैथ्स को यूज करके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। इसीलिए एंट्रेंस में भी ये हायर मैथ्स दे रहे हैं क्लास 12 का, ये चेक करने के लिए कि आपको कितना आता है। जस्ट बिकॉज इस पेपर में हायर मैथमेटिक्स आता है, कम बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमने तो 4 साल से 5 साल से हायर मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं, हमें तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद ही नहीं, तो ये एग्जाम हम क्रैक कर ही नहीं सकते। तो आपको ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेना है, क्योंकि जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आपके सामने वर्बल है, वर्बल में आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, साथ में आरसीज अच्छे होने चाहिए। एलआर में आपके एडवांस एलआर के क्वेश्चन बनते हैं, वही अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, लॉजिकल ग्रुपिंग के क्वेश्चन हो गए, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए। देन आपके पास डीआई है, जिसमें आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स, पाई चार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ चार्ट्स के ऊपर। जो आपका क्वांट्स है वहां पे है सारा का सारा गेम। क्वांट्स में आपको पूरा का पूरा क्लास 12th के एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब आपके सामने चैलेंज ये है, सर मैं कैसे करूं 30 डेज में पूरी 12th की एनसीईआरटी। इसीलिए भाई मेरा पीजीडीबीए का स्पेसिफिक कोर्स, क्रैश कोर्स, इसका लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं आपको पूरा वर्बल कराने वाला हूं, एलआर कराने वाला हूं, डीआई कराने वाला हूं, एंड क्वांट्स में हायर मैथ्स के साथ साथ पूरी की पूरी क्लास 12th की एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं आपको वीडियो फॉर्म में देने वाला हूं अलोंग विद कॉन्सेप्ट्स। बात समझ रहे हो भाई, मतलब ये हो गया कि अगर आपने उतना वीडियो देख लिया तो पूरा हायर लेवल का क्वांट्स आपका कंप्लीट हो गया है, कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। क्वांट के 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको जो क्लास 12 की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दे रहा हूं पूरे के पूरे अलोंग विद बेसिक्स, मैं भाई आपको बेसिक्स कराऊंगा, बेसिक्स के साथ मैं आपको एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज के हम सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद हम पूरी पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब मैं आपको 100 आवर्स की सिर्फ क्लास 12th की वीडियोस दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा एक एक यूनिट का एक एक क्वेश्चन करा है, लिमिट, डेरिवेटिव, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, फिर आपको एरियाज यूजिंग बाउंडेड रीजन, मतलब एक एक टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी से 15 फरवरी तक, प्री रिकॉर्डेड आपको वीडियोस दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, साथ में भाई सारे के सारे टॉपिक कवर्ड होंगे, आपको मैं एक्शन प्लान दे दूंगा किस ऑर्डर में आपको सारी वीडियोस देखनी है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल सॉर्टेड रहे, एंड स्पेशल फोकस है हायर मैथ्स पे। हायर मैथ का एक एक टॉपिक बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक, मतलब क्लास 12 की पूरी मैथमेटिक्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल जो ये वीडियो कोर्स है लगभग 140 से 150 आवर्स का होगा। तो हर दिन भाई अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ लेते हो तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, एंड सारा का सारा वीडियो देखने के बाद आपको एडिशनल और कुछ नहीं करना, जितना बता रहा हो उतना कर लेना। साथ में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा, अगर आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है डायरेक्टली आप पोर्टल पे जाओ, लॉगिन करो, एंड भाई वो टॉपिक आप दे सकते हो। इसके साथ ही नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज दूंगा, जो एकदम पीजीडीए लेवल की बनी हुई है, एंड यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग और एनालिसिस आएगा। साथ में जो पेपर है एक्चुअल पीजीडीए पैटर्न पे है, उसी स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, ताकि आपको पूरा अप्रोप्रिएट आइडिया हो जाए, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आप पढ़ाई करो। तो जो टोटल फीस है इस बैच की, दैट इज 2500 रुपीज फॉर वीडियो लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेटर, एंड ओनली 600 रुपीज अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, जिसमें आपको 5 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा फीचर इस बैच का अगर आप एनरोल करते हो सिर्फ टेस्ट सीरीज में, आपको बता चुका हूं 5 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स, फिर स्पेशल फोकस ऑन हायर मैथ के टॉपिक टेस्ट आपको वहां मिल जाते हैं, एंड साथ में आपको भाई सारे के सारे मॉक का डिटेल एनालिसिस मिलता है, जो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। तो और इसके अलावा अगर आपको पेपर का लेवल देखना है तो ऑफिशियल सैंपल पेपर इनका आउट हो चुका है, आ चुका है, तो ये भाई मैंने सैंपल पेपर का लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, इस लिंक को ओपन करो, इस पेपर को सॉल्व करके देखो कि भाई कितना आप अभी स्कोर कर पा रहे हो, एंड विद इन
थर्टी थर्टी फाइव डेज कि आप इतना एफर्ट देने को तैयार हो कि इस कोर्स को क्रैक कर पाओ. एक बार ध्यान रखो, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ गोल्डन कोर्स कंडक्टेड बाय गोल्डन इंस्टीट्यूट्स. तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लेना है. इस एग्जाम की तैयारी उसी सिंसियरिटी के साथ करनी है जैसे आपने बाकी एग्जाम की तैयारी करी है. एंड बाकी लोग जो हायर मैथ के डर से इसके एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं आपको कराने के लिए तैयार हूं. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप कर दो 9958937705, मैं आपको इसकी डिटेल शेयर कर देता हूं. सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर.